हेलो गाइस, तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। तो अभी शाम का लगभग 4 बजे का टाइम है। तो आज मेरा कुछ फास्ट फूड खाने का मन था और सोचा तो चलो आज मैं बनाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ, पति देव को भी। तो आज मैं बना रही हूँ बर्गर। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, इससे पहले मैंने ऐसा नहीं कि कभी पहले बनाया है। तो पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने बड़े वाले 4 आलू बॉईल कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ पहले टिक्की। तो टिक्की डाल के बनाऊंगी मैं बर्गर। तो 4 बड़े आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे और उनको अच्छे से मैश भी कर लिया है। अब इनमें मैं मिलाऊंगी स्टार्च पाउडर। तो इतना काफी है। और इसमें मैं मिक्स करूंगी थोड़ा सा अजवाइन और नमक बस, और कुछ इसमें ऐड नहीं करूंगी बस। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी। तो पता नहीं, टिक्की मैंने पहले बनाई है लेकिन बर्गर नहीं बनाया था मैंने कभी इससे पहले, तो पता नहीं कैसा बनेगा। तो चलिए जैसा बनेगा हम तो खा लेंगे, हमने कौन सा बेचना है दुकान में। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस जो मैंने क्वांटिटी डाली थी स्टार्च पाउडर की, वही उसी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो लग जाता है पता, मैंने मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने टिक्की बना के देखी तो अच्छे से बन रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड नहीं किया। और तो ये मैं हमारा जो टिक्की का डो जो है वो लग गया रेडी बन के रखे, इसमें मतलब सभी जो टिक्की है वो बना के रख दूंगी, फिर फ्राई बाद में ही करूँगी। तो जितनी मेरे को अभी के लिए चाहिए, क्योंकि पतिदेव तो है ड्यूटी पर, तो मैं खाऊंगी और बच्चे खाएंगे तो बस उतनी ही बनाऊंगी। और पति देव जब आएंगे ड्यूटी से तो उनके लिए तभी बनाऊंगी। तो मैं 1 बाय 1 करके टिक्कियां बना लूंगी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, जितना मतलब बर्गर का साइज है उसी हिसाब से बनाऊंगी। कई बार जो हमारा वो 1 होता है वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जो मैं ये 1 लेके आई हूँ ना, ये थोड़ा छोटा ही है तो उसी के हिसाब से बनाऊंगी मैं। तो ये देखिए हमारी टिक्की जो है वो थोड़ी मोटी ही रखो। मैं टोटली 5 या 6 टिक्कियाँ बनाऊंगी क्योंकि बच्चे बीच बीच में ऐसे भी मांग लेंगे तो उनका तो चलता ही रहता है। और मुझे तो बहुत पसंद है ये बर्गर, बहुत ही ज़्यादा तो मैं यहाँ से भी जब घर जाती हूँ ना तो मैं आ गए आप अच्छा, तो मैं मतलब जिस भी भैया के पास मैं ये बर्गर खाती हूँ ना तो कम से कम 2 या 3 खा लेती हूँ एक बार में। आप बोलोगे कितनी बुक्कड़ है लेकिन टेस्ट में खा जाती हूँ मैं। बहुत टेस्टी बनाते हैं वो भैया, वो यूपी साइड से ही हैं। तो मेरे हिसाब से 5 टिक्कियां काफी हैं, तो मेरी 5 हो चुकी हैं। ये देखिए 5 टिक्कियां मेरी बन चुकी हैं। अभी इनको मैं फ्राई करूंगी। तो ये मैं
पतिदेव के लिए रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी टिक्कियाँ बनके, मतलब जो मैंने हाथ से बना ली है, और अभी इनको फ्राई करूँगी। तो गैस को कर लेती हूँ ऑन। तो जब तक मेरा तवा गर्म होगा तब तक मैं कर लेती हूँ चाट की प्रिपरेशन। तो आधी मैंने प्रिपरेशन कर ही ली है, सिर्फ अब इसमें मिक्स करना है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट वाले चने लिए हैं। तो ऐसे जितने, मतलब लोगों के हिसाब से डाल रही थे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नाप के लिए थे ये। और इसमें दो छोटे छोटे आलू डाले थे, तो जो आलू को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक बड़े वाला प्याज लिया है, और एक नींबू है, हरी मिर्च, और साथ में एक छोटा टमाटर है। टमाटर बच्चे पसंद नहीं करते हैं ना, तो ये निकाल देंगे फिर, इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। तो अब सभी चीज़ों को मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो बनने का पता नहीं कैसा बनेगा, ऐसे ही ट्राई कर लूँगी, जैसा भी बनेगा खा लूँगी। मैं तो खा ही लूँगी, पतिदेव का पता नहीं क्या बोलूँगी। आप उधर खेलो जाओ। तो अभी इसमें सब कुछ मैंने डाल लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, और डालूंगी नमक। नमक जब मैंने चने बॉईल किए थे ना, तब भी डाला था। तो मतलब अपने हिसाब से डालना है, जितना आप खाते हो। इसको रहने दो बेटा, उधर रखो। और साथ में डालूंगी ये चाट मसाला। और ये है थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डालूंगी इसमें, ज्यादा डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी। केचप, क्योंकि चटनी जो डालते हैं वो हरी और लाल मैंने तो नहीं बनाई है, तो मैं इसमें थोड़ी सी केचप ही डाल दूंगी। एक चम्मच डालूंगी, ज्यादा नहीं। बस तो अब इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। लीजिए, देखने में तो वैसे लग रही है जैसे वो ठेले वाले भैया बनाते हैं, पर पता नहीं कैसे। खाने की रेडी हो गई है, और अभी मैं टिक्की को करूँगी फ्राई। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो तवा जो है वो हमारा जो वो गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी देसी घी। तो मैं रिफाइंड वगैरह या दूसरा जो घी आता है ना, वो नहीं डालूँगी, यही डालूँगी मैं, देसी वाला ही।
गैस को ना मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ तो अंदर से ना कच्ची ना रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियों को दूसरी तरफ जो है वो पलटी कर लिया। तो इनको अच्छे से पकने दूंगी मैं, अच्छे से क्रिस्पी होने दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो हमारी टिक्कियां जो है वो बन के रेडी हो गई हैं, अच्छे से पक गई है। अब इनको मैं यहीं पे साइड में कर लूंगी, अगर मैं इनको अलग से निकालूंगी ना तो ये फिर ठंडी हो जाएंगी, तो इसीलिए इनको मैं यहीं पे साइड में कर लूंगी। और अभी मैं इसी में बन गर्म कर लूंगी क्योंकि घी इसी में बचा हुआ है, तो और भी डालूंगी। तो देखो ये ज़्यादा बड़े साइज के नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, ये देख सकते हो आप लोग। तो पहले ना मैं इनको बीच में से जो वो कट करूंगी। इस तरह से ये देखिए, तो इन दोनों बन को जो मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी, अच्छे से क्रिस्पी। मैं ना गैस को कर देती हूँ बंद, तो हमारे बन जो है वो अच्छे से जो है वो गर्म हो गए हैं। तो अभी मैं बन लूंगी, बहुत गर्म है, इसी में रैप कर देती हूँ क्योंकि मेरे से ना पकड़ा नहीं जा रहा है। आपको तो ये रुक जाओ, इस तरह से अभी मैं इसमें डालूंगी। अब वो चटनी डालते हैं, लेकिन मैं चटनी डालूंगी, मेरे पास है ना, और सॉस है तो लास्ट में फिर सॉस का टेस्ट आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। अभी मैं इसमें टिक्की डालूंगी ऐसे, और फिर इसमें डाल दूंगी जो हमने चाट बनाई है। तो मेरी क्रिस्टी तो बिल्कुल खुश हो चुकी है कि आज तो वो घर पे ठेला आ गया है। तो देखिए हमारा जो बर्गर वो बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। तो चलिए आपको दूसरा भी बनाती हूँ फिर आपको। तो देखिए हमारे बर्गर जो हिमाचल वाले वो बन के रेडी हो गए हैं। तो देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है, अभी खा के पता चलेगा कि वैसे बने जैसे वो ठेले वाले भैया बनाते हैं या थोड़ा अलग टेस्ट है।
तो थोड़ा तो होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो पता नहीं क्या मसाले डालते हैं, और मैंने मतलब जो मेरे पास थे अवेलेबल मैंने वही डाले हैं। तो चलिए खा के देखते हैं, और आप लोग भी खा लीजिए हिमाचल के बर्गर। तो चलिए बस आज का ब्लॉग यही तक था। तो मेरे को टाइम नहीं लग रहा है ना, कृषि के एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो आज वो सोया था, तो मैंने सोचा तब तक ये रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।